स्टूडेंट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। जो बच्चा सही जवाब देगा उसको 1000 रुपीज का यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा। लास्ट वीडियो में सिद्धेश नाम के लड़के को ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इस वीडियो में जो भी लकी विनर रहेगा उसको मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे सही जवाब देते हैं लेकिन हर एक को प्राइस डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते यार, जो लकी रहता है उसको मिल जाता है। लेकिन इस चीज को आपको एक प्राइस की नजरिए से नहीं देखना है, आपके हर दिन में एक क्वेश्चन ले रहा हूं एटलीस्ट प्राइस के बहाने, वो क्वेश्चन तो आपको याद रहेगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। और जो भी बच्चा कमेंट कर रहा है पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, उसके बाद कमेंट करना। अदरवाइज आपका कमेंट करने का यूज कुछ नहीं है बेटा, क्योंकि वो मुझे नहीं दिखेगा स्टूडियो में, यूट्यूब स्टूडियो में, ठीक है। तो प्लीज कमेंट ये सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स, सीटी सेल की तरफ से जो भी कुछ नोटिस आती है सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट होती है। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां से आप मेरे तक डायरेक्ट पहुंच सकते हो, मेरे तक बात कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत रही आपको आप मुझे शेयर कर सकते हो, ओके। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल शिफ्ट वाइज। अभी देखो यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस अभी आ रहे हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के, कोई सही डाल रहा है कोई गलत डाल रहा है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स तो गलत ही डाल रहे हैं, ठीक है। जितना मैंने एनालिसिस किया है, जितने वेबसाइट से मैंने एनालिसिस किया है, जितने सोर्सेस से, सीईटी के सोर्सेस से पता किया है, उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत जगह गलतियां दिखी, बहुत जगह लूपहोल्स दिखे, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो जाना चाहिए चैनल पे, बहुत दिन हो गए मैंने डाल दिया चैनल पे ऑलरेडी वीडियो, लेकिन बहुत दिन हो गए उस वीडियो को। लेकिन अभी आपको समझना होगा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कैसे वैरी होता है शिफ्ट वाइज। ये मोस्ट एक्यूरेट है, इससे आपको एक्यूरेट कहीं नहीं मिलेगा। शिफ्ट वाइज तो किसी ने नहीं बताया कि शिफ्ट के अकॉर्डिंग वो चीजें डिफर करती है, ठीक है। सब बोलते हैं कि 90 मार्क्स पे आपके 80 परसेंटाइल आ जाएंगे, दैट इज नॉट द केस। वो तो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। पहले आपको समझना होगा कि शिफ्ट वाइज कैसे वैरी करती है चीजें, क्लियर है। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, अगेन मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूं, ओके। तो शिफ्ट वाइज तो बेसिकली कितनी शिफ्ट्स होती है, देखो अभी आपका जो पीसीएम के बच्चे उसका पेपर 2 मई से स्टार्ट हो रहा है तो 17 मई तक है, ठीक है। बीच में भी बहुत सारी शिफ्ट्स है। पीसीबी के बच्चों का भी अप्रैल एंडिंग में है, ठीक है, उनके भी बहुत सारे शिफ्ट है। तो सारी शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगी क्या, कि आपका डिफिकल्टी लेवल जितना लेवल का था उतना ही डिफिकल्टी लेवल का मेरा पेपर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो सकती है, मेरी कम हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल हर एक क्वेश्चन की अलग अलग होती है, राइट। तो डिफिकल्टी लेवल्स को 3 शिफ्ट में बेसिकली डिफाइड किया जाता है। जितनी भी आपकी शिफ्ट होंगी उनको कैटेगरीज किया जाएगा। एक डिफिकल्ट शिफ्ट होंगी कुछ, कुछ मॉडरेट शिफ्ट होंगी, कुछ इजी शिफ्ट होंगी। यहां तक वीडियो को क्लियर है? बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ये क्यों बोल रहे हो आप, डायरेक्ट बता दो ना। डायरेक्ट बताना है तो आप दूसरे वीडियो जाके देख सकते हो बेटा, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको समझनी चाहिए। अब बात करते हैं कि शिफ्ट के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करता है। सपोज यू स्कोर 100 मार्क्स, ठीक है, आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं। आपकी शिफ्ट अगर डिफिकल्ट है, 100 मार्क्स आ रहे हैं आपके और आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट है, तो आपके 96% बन जाएंगे। उसी जगह मेरी शिफ्ट मॉडरेट है और मेरे भी 100 मार्क्स आ रहे हैं। आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उतने ही मुझे मेरे भी मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन मेरी शिफ्ट क्या है? मॉडरेट है। मॉडरेट डिफिकल्ट कौन डिसाइड करता है? सीईटी से। मेरी शिफ्ट अगर मॉडरेट है तो मेरे उस जगह 95 बनेंगे। और कोई एक्स वाई जेड, सपोज अमित नाम का मेरा फ्रेंड है, उसकी शिफ्ट इजी आ गई तो उसके कितने परसेंटाइल बनेंगे? 94। अभी मेरी कुछ गलती है, अमित की कुछ गलती है, आपके तो ज्यादा बन गए 100 मार्क्स पे, आपके 96 बन गए, हमारे 95 बन रहे, तो हमारी कुछ गलती है? बिल्कुल नहीं। अगर मेरी मॉडरेट शिफ्ट है तो वहां पे चांसेस है कि मैंने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, मेरे ज्यादा सही आए होंगे, समझ रहे हो। और आपको लग रहा होगा भैया क्या एक ही परसेंटाइल का वेरी करता है ना, 0.125 परसेंटाइल पे भी आपकी रैंक चेंज हो जाती है, 0.001% पे भी आपका सीओईपी का नहीं मिलता आपको, 0.001% पे भी एक आपको एडमिशन मिलने से रह जाता है अच्छे कॉलेज में। तो 1% इज वेरी बिग थिंग बेटा, और अगर 95 के बाद 1% वेरी कर रहा है तो इट इज वेरी बिग थिंग, ठीक है। समझ में आ गया शिफ्ट के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करते हैं। अब बात करते हैं कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनेंगे शिफ्ट वाइज, वो भी ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया आप क्रैश कोर्स के बारे में बताते रहते हो हर एक वीडियो में, तो क्यों ना बताओ, मुझे बताओ इस चीज के बारे में, क्यों ना बताओ। और ये बच्चे बहुत सारे बच्चे नहीं, 3-4 ही बच्चे ये जो हर वीडियो में करते हैं लेकिन कमेंट, क्यों पता है? वो किसी और क्रिएटर ने उनको बोला है कि इसके वीडियोस के नीचे जाओ और ऐसा कमेंट करके आओ, निगेटिव कमेंट करके आओ। मुझे बताओ, मैंने आज तक आपको नहीं बोला कि यही से क्रैश कोर्स खरीदो या यही से चीजें बाय करो, मैंने कभी नहीं बोला है। मैंने हर वीडियो में सेम चीज बोलता हूं, महाराष्ट्र का कोई भी क्रैश कोर्स लगा लो लेकिन क्रैश कोर्स जरूर लगा के जाना। क्यों बोलता हूं मैं, उसके पीछे रीजन है ना, आप अभी लास्ट मोमेंट पे सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, है ना। मैं आपको ये चीज बोलता हूं कि आप
चलो एक्स वाई जेड परसेंट का क्रैश कोर्स लगा लो, उससे एक चीज जरूर पूछ लेना कि उस क्रैश कोर्स में 11 प्लस 12 का सिलेबस कवर्ड है क्या, उस क्रैश कोर्स में 1500 से भी ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कराए क्या, उस क्रैश कोर्स में इंपॉर्टेंट नोट्स है क्या, तुक्का स्ट्रेटेजीज डाली है क्या, उसके बाद इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेटेजीज फॉर्मुला शीट्स डाली है क्या, नहीं डाली तो वो क्रैश कोर्स क्यों लगाना है। अगर आपको ऐसा क्रैश कोर्स कहीं पे मिल रहा है वो क्रैश कोर्स आप लगा सकते हो, नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। तो यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि यही से खरीदो, तो प्लीज आप ये जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में है ना उसको हटा दो बेटा। मुझे पता है आप किसी और के कहने पे यहाँ पे आके ये मतलब ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, लेकिन मत करना क्योंकि आपका भी पढ़ाई लिखाई का काम है, टाइम है, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने किसी को फोर्स नहीं किया आज तक, तो आपको अगर एनरोल करना है तो जरूर कर सकते हो। इसी क्रैश कोर्स को पढ़ के सीओईपी विजिटी वालचंद पीएचडी वीआईटी के जैसे कॉलेजेस में हर साल ज्यादा बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है। टॉप फार्मेसी कॉलेजेस में सबसे ज्यादा बच्चे न्यूट्रन एडवोकेट्स के जाते हैं, तो उसके पीछे कुछ रीजन है। बात करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के। अगर आपके 160 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आपके 99.50 से भी ज्यादा परसेंटाइल बनेंगे, 150 प्लस स्कोर कर रहे हो तो 99 से भी ज्यादा परसेंटाइल बनेंगे, 130 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आपके 98 से भी ज्यादा परसेंटाइल बनेंगे, 110 से ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो आपके 96% से भी ज्यादा परसेंटाइल बनेंगे। सॉरी, तो देखो अभी यहाँ पे 160 मार्क्स पे आपके 99.50 परसेंटाइल बन रहे, ये मॉडरेट शिफ्ट के लिए, जितने भी परसेंटाइल ये सारे मॉडरेट शिफ्ट के लिए। अगर मेरी शिफ्ट डिफिकल्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99.50 का 99.55 हो जाएगा, 99.60 हो सकता है, 99.70 हो सकता है, विच इज वेरी बिग डिफरेंस, समझ रहे हो। तो ये आपका डिफिकल्ट शिफ्ट के लिए, उसी जगह मेरी शिफ्ट आसान है और मेरे 160 मार्क्स आते हैं तो मेरे 99.50 बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, मेरे कितने बनेंगे, 99 बन सकते, 99.20 बन सकते, 99.30 बन सकते। सो दिस इज वेरिएशन बिटवीन डिफिकल्ट, इजी एंड मॉडरेट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया हमें क्रैश कोर्स है ना, हमें अभी क्रैश कोर्स नहीं लगाना क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और हमें थोड़ा बहुत आता है। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मॉक टेस्ट लगा लो। जिनको क्रैश कोर्स मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है ना चीजों का, तो मैं बोलता हूँ कि मत लगाओ क्रैश कोर्स, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ज्यादा, डायरेक्ट आप मॉक टेस्ट पे शिफ्ट हो जाओ। मॉक टेस्ट जरूर लगाना, हर एक बच्चे के लिए प्रायोरिटी है। चाहे आप मुझे गालियां दो कमेंट सेक्शन में, मैं हर वीडियो में आके बोलूंगा कि अगर आप मॉक टेस्ट लगा के नहीं गए तो आपका स्कोर नहीं बनेगा, ठीक है। बहुत सारे मुझे सिलेक्शन चाहिए बच्चों के, जो मुझे देख रहे हैं उन बच्चों के सिलेक्शन चाहिए। तो जो बच्चे ऐसे है ना कि कमेंट वगैरह करने आते हैं उन बच्चों के लिए मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो बच्चा सीरियसली जानता है कि मैं जेन्युइनली उसकी हेल्प कर रहा हूं, तो प्लीज मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाना। महाराष्ट्र में हर कोई आपको मॉक टेस्ट दे रहा है, हर यूट्यूबर दे रहा है, कहीं से भी लगा लेना, लेकिन लगा लेना बेटा, ठीक है। उस लेकिन एक चीज जरूर पूछ लेना, जहां से भी लगाओगे उन मॉक टेस्ट में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं डाले हुए होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको फ्रीली ऐप पे प्रोवाइड कर दिए। मॉक टेस्ट में सारे यूनिक क्वेश्चन होने चाहिए, कर्नाटका सीईटी वेब चाहिए या फिर दूसरे जो सीईटीज है उनके क्वेश्चन, जेई के सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड के सिंपल क्वेश्चन, जो सोर्स ऑफ क्वेश्चन दिए ना सीईटी सेल ने कि यहाँ से आ सकते, तो उन वहां से आपके क्वेश्चन मिक्सअप किए गए, तो इन मॉक टेस्ट को जरूर लगाना। मैं गारंटी देता हूँ इन मॉक टेस्ट में से आपके क्वेश्चन फिक्स है, यही से आएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। कहीं से भी लगा लो, आप मैच्योर हो, आपको समझती है चीजें, ठीक है। सीईटी में जैसा सबमिट का बटन होता है ना, वैसा ही सबमिट का बटन आपको होना चाहिए। सीईटी में जैसा प्लेटफॉर्म होता है वैसा ही होना चाहिए। ऐसा कहीं पे है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाना, है ना। 50 प्लस सिमिलर क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन मैच हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है। तो इसके पीछे कुछ रीजन है, आपको बिलीव नहीं हो रहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों की रिव्यूज है, आप जाके चेक कर सकते हो वेबसाइट पे। बात करते हैं नेक्स्ट मार्क्स से। अगर आप 100 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप 95 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। अगर आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आप 92 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। अगर आप 85 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आप 90 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। अगर आप 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपके 85 प्लस परसेंटाइल बन सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आपके 60 प्लस मार्क्स है तो आपके 80 प्लस परसेंटाइल बनेंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया आप एक्यूरेट बताओ ना, 60 पे 80.320 ऐसे बनेगा, ऐसा बताओ ना बेटा। ये कौन प्रेडिक्ट कर सकता है, जो आपको प्रेडिक्ट करा के दिखा रहा है ना। मैंने अभी कल परसों एक वीडियो देखा जिसमें प्रेडिक्ट कर रहा था 50 मार्क्स पे 75.324 परसेंटाइल बनेंगे। बेवकूफ है, बेवकूफ जो आपको ऐसे बता रहा है, ठीक है। देखो गुस्सा इसीलिए आता है क्योंकि गलत गाइड होता है बेटा आपको। ये कोई नहीं बता सकता कि इतने मार्क्स पे इतने एग्जैक्ट परसेंटाइल बनेंगे, क्योंकि इट इज ऑल डिपेंड ऑन योर डेटा। कितने बच्चे एमएसटी सीईटी में बैठे हैं, कितना हाईएस्ट स्कोर निकला है हर एक शिफ्ट का, डिफिकल्टी लेवल क्या थी, उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती है। सो दिस इज ऑल एक
मोटा मोटी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 60 पे 80 ही बनेंगे, कम ज्यादा हो सकता है। जो ऐसे बोल रहे हैं, एटलीस्ट मैं ऑनेस्टी के साथ तो बोल रहा हूँ यार कि कम ज्यादा हो सकता है। बहुत सारे बच्चे यू क्रिएटर्स डायरेक्ट बोलते हैं कि 60 पे 80.305% बनेंगे। आप समझा करो इन सब चीजों को, इन सब चीजों से दूर रहा करो, ठीक है। 50%+ मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो 75%+ बनेंगे, 40+ स्कोर करते हो तो 60%+ बनेंगे। इससे नीचे न्यूटन एडुकेटर्स का एक भी बच्चा नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर वो मुझे एक बार भी देख ले तो। क्योंकि एक बार भी देख ले मतलब देखने से नहीं होगा, अगर मुझे वो मेरे टच में है तो उसका 40 से नीचे तो स्कोर जाएगा नहीं, 40 भी बहुत कम है। हर एक बच्चे के 90 के अबव परसेंटाइल आएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड है लास्ट ईयर का, इस साल भी रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको साथ देनी है मेरी, ठीक है। और रिवीजन जरूर कर लेना। रिवीजन कहाँ से करोगे? एक तो फॉर्मूला शीट, एक तो मॉक टेस्ट की मिस्टेक्स, ये सबसे बेस्ट वे है रिवीजन का, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूंगा उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी नोटिस आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको यूट्यूब पे, ठीक है, कि हाँ सीईटी सेल ने पोस्टपोन हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर।